दोस्तों आप लोगों के लिए 10 बड़ी खबर लेके आया हूँ। जी हाँ, 10 बड़ी खबर, फटाफट सारी चीजें छोड़कर देख लीजिए। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप लोगों को ये जानकारी देखना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज की ताजी खबर, जी हाँ 6 जनवरी की ताजी खबर आपके सामने हाजिर है। तो दोस्तों पहली खबर है, अच्छी खबर है। जी हाँ, ट्रेनों में होगी तीसरी आंख, वैशाली और पूर्विया एक्सप्रेस में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। जी हाँ, अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आपका कोई भी सामान अगर चोरी होता है फटाफट पता चल जाएगा। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली इलेक्शन डेट 2020, दिल्ली में चुनावी बिगुल बजा। जी हाँ, 28 फरवरी को वोटिंग और 11 फरवरी को आएंगे नतीजे। जी हाँ, घमासान मचा हुआ है, देखते हैं किसकी बारी है इस बार। जी हाँ, अगर आप लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। डीजल पेट्रोल के दाम में अभी और लगेगी आग, $70 के पार पहुंचा कच्चा तेल। जी हाँ, डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होती ही जा रही है, अभी और बढ़ेगा ऐसा बताया जा रहा है। जी हाँ, आपकी जेबें खाली होने वाली हैं। सोने के दाम में रिकॉर्ड उछाल, चांदी टूटी जाने आज का रेट। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के साथ साथ सोने के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। जान लेते हैं आज का क्या रेट रहा सोने और चांदी का। तो बता दें, 10 ग्राम सोना 41,290 रहा दिल्ली सराफा बाजार में, और चांदी रही 48,500 रुपये प्रति किलोग्राम। जी हाँ, ये रहा आज का रिकॉर्ड दिल्ली सराफा बाजार में। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, आपकी जेबें और खाली होने वाली हैं। आईटी रिटर्न को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, मकान के संयुक्त मालिक 1,00,000 सालाना बिजली बिल भरने वाले नहीं भर सकेंगे सहज फॉर्म में रिटर्न। जी हाँ, ये खबर बहुत बड़ी है आप लोगों के लिए। घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार रखने वाले साल भर में 1,00,000 रुपए का बिजली बिल भरने और विदेश यात्राओं पर 2,00,000 रुपए से अधिक खर्च करने वाले व्यक्तिगत करदाता अब सामान्य ITR 1 फॉर्म में आयकर रिटर्न नहीं भर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी, LIC गारंटी पेंशन स्कीम, 5,00,000 जमा कर आजीवन होगी 8,000 रुपये महीने की कमाई। जी हाँ, इस पॉलिसी की खासियतों के बारे में, मान लीजिए कि 50 वर्ष का कोई व्यक्ति 10,18,000 रुपये पॉलिसी में लगाता है तो उसे तुरंत 65,600 वार्षिक पेंशन मिलने लगेगी। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए आप अपने नज़दीकी LIC ऑफिस में जाकर इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। जी हाँ, फटाफट जाइए, इसका लाभ उठा लीजिए। दिल्ली वालों को प्रति 1 किलोमीटर पर मिलेगी स्वास्थ्य सेवा, अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल का ऐलान हो गया है कि अब आपको अपने घर से कई किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है, आपको महज 1 किलोमीटर के भीतर ही स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। जी हाँ, रांची किसानों को आज से मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलेगा। जी हाँ, सिंचाई करने के लिए अब आपको डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आप फ्री में कनेक्शन कराकर इसका लाभ उठा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, आपके जिले में कैंप लगाया जाएगा, आप पता करते रहिएगा। जी हाँ, अपने नज़दीकी किसी कार्यालय में जाकर इसके बारे में, अपने ब्लॉक में जाकर इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिएगा कि कब इसका कैंप लगेगा और इसका लाभ आप कब उठा पाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग रांची से बिलोंग करते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, या और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपके लिए भी ऐसे ही जानकारी लाते रहेंगे। 13 साल की भारतीय लड़की 120 भाषाओं में गाती है गाना, जीता ग्लोबल अवार्ड। जी हाँ, हमें अपने भारतीयों पर गर्व करना चाहिए, हम किसी से कम नहीं। 13 साल की लड़की ने ये करके दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं, इसका वाह वाह हो रहा है हर जगह। जी हाँ, देश विदेश हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। 120 भाषाओं में इसने गाकर ये साबित कर दिया कि भारतीयों में कितना दम है। तो दोस्तों अगर आप लोग को गर्व है इस भारतीय लड़की पर तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा। दुबई के इंडियन हाई स्कूल की छात्रा सुचेता सतीश 120 भाषाओं में गा सकती है।
दोस्तों अगर आप लोग एफडी करने जा रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है 9.5% की दर से ब्याज, बचत का है शानदार मौका। जी हाँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ इसका लाभ आपको मिल सकेगा। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जी हाँ, इस बैंक में एफडी पर 5% से लेकर 8.5% तक की दर से ब्याज मिल रहा है। दोस्तों दूसरी बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे आपको 7 दिन से लेकर 10 साल के एफडी की सुविधा है, जिस पर आपको 5.50% से लेकर 8.10% की दर से ब्याज मिल रहा है। तीसरी बैंक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जी हाँ, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस बैंक में आपको 4% से लेकर 9% की दर तक ब्याज मिल रहा है। जी हाँ, आप लोग जल्द इसका लाभ उठा सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चौथी बैंक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जी हाँ, इस बैंक में आपको 4.75% से लेकर 8.50% की दर तक ब्याज मिल रहा है। दोस्तों आप लोग जाइए इस बैंक में, पता करिए और इसका लाभ उठाइए। जी हाँ, एफडी पर आपको 9.5% की दर से ब्याज मिल सकता है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों एक और खबर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीए और एनआरसी का तो इस समय माहौल चल रहा है, लोग परेशान हैं। उसी बीच आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक क्लिक पर मिलेगा अंग्रेजों के जमाने का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। जी हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। अंग्रेजों के जमाने का जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जल्द ही कंप्यूटर में एक क्लिक पर मिल जाएगा। साल 1870 से 2005 तक के रिकॉर्ड को हिमाचल सरकार ऑनलाइन करने जा रही है। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन प्रमाण पत्रों का डिजिटलीकरण, जी हाँ, डिजिटलीकरण करेगा। कॉरपोरेशन निजी कंपनी को डिजिटलीकरण का काम सौंपा गया है। जी हाँ, प्रमाण पत्र सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जी हाँ शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा और अपने अपने स्टेट का नाम भी कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।